मातृ दिवस की पूर्व संध्या पर मां जननी तुझे सलाम कार्यक्रम का अग्रवाटिका में हुआ आयोजन। मातृशक्ति को किया सलाम। मथुरा में मातृ दिवस की पूर्व संध्या पर पार्षद मीरा अग्रवाल के नेतृत्व में अग्रवाटिका धर्मशाला में मातृशक्ति मां तुझे सलाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में माताओं ने भाग लिया। गृहिणी के साथ साथ ग्रस्त जीवन में माताओं की अहम भूमिका और परिवार से दूसरे परिवार को जोड़ने वाली कड़ी में भूमिका निभाने वाली मातृशक्ति का आज सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में माताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मातृशक्तियों का सम्मान करते हुए बच्चों ने अपनी माओं को गिफ्ट दिए। इस विषय में माताओं ने जानकारी देते हुए बताया है। मीरा अग्रवाल, आज क्या कार्यक्रम रखा है? ये हमारा मदर्स डे का कार्यक्रम है, मातृ वंदन कार्यक्रम। जैसा कि बैनर के हमारे कार्ड के नाम से ही दिख जाता है, जननी तुझे शत शत। वैसे तो जननी माँ हमेशा वंदनीय पूजनीय है, लेकिन एक दिन के कार्यक्रम के माध्यम से हम कुछ अपनी भावनाएं अपने माँ के प्रति समर्पित कर सकती हैं, करने की कोशिश की है। और पूजन का एक कार्यक्रम रखना है, जैसा कि हम देखते हैं एक स्पर्श से माँ और बच्चे के बीच में एक गहरा संबंध हो जाता है। इसी तरह से एक स्पर्श का कार्यक्रम मातृ पूजन कार्यक्रम रखा है। माँ बेटी के बीच में कैसे और संबंध बढ़ सकता है, एक दूसरे की क्या जानती है एक दूसरे के बारे में, इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर जुगलबंदी तैयार की। अग्रवाल, आज जो कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम है मातृ वंदन, कि हम अपनी माओं का वंदन के माध्यम से किस तरह से हम उनको अपनी भावनाओं से अवगत कराएं कि हमारी माएँ वंदनीय हैं और माएँ हम लोगों को किस तरह से लाड़ प्यार करती हैं और परछाई की तरह से हम लोगों को इतना दुलार देती हैं जिसका कि वर्णन अपने वाक्यों में हम लोग नहीं कर सकते। वो वर्णन हमने साक्ष के रूप में अपनी महिला समिति के द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से सबके सामने प्रदर्शित किया है और सम्मान किया है जो हमारी माएँ हैं। और इस वर्ष से ये सम्मान हम लोगों ने शुरू किया है, अब ये आगे आगामी वर्ष तक चलता ही रहेगा। और हम इसी तरह से अपनी माओं का वंदन करते हैं, नमन करते हैं। सादर नमन, सादर नमन, सादर नमन।